नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जहां एक ओर देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और धीरे धीरे कोरोना वायरस का जिन लोगों को अपनी चपेट में लेकर मौत के आगोश में सुला रहा है, वहीं अब अलीगढ़ की जेल में कोरोना वायरस की चपेट में आ गई है। जेल के अंदर बंद कैदी भी अब कोरोना वायरस की चपेट में आना शुरू हो गए। अलीगढ़ जेल में पहुंचा कोरोना। आज अलीगढ़ के जेल के अंदर दो कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हथरस के रहने वाले ये दोनों कैदी 3 दिन पूर्व अलीगढ़ जेल में आए थे। जब हथरस पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, उस समय हथरस में इनकी कोरोना जांच के लिए नमूने लिए गए थे। आज जब इनकी रिपोर्ट आई तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दोनों बंदियों को L1 अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। दोनों ही बंदी हथरस के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। एक कैदी हथरस के सादाबाद क्षेत्र का रहने वाला है तो दूसरा कैदी सिकंदरा राव क्षेत्र का रहने वाला है। जेल के अंदर पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। अलीगढ़ के CMO डॉक्टर भानु प्रताप सिंह कल्याणी ने बताया कि आज जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से जानकारी मिली कि अलीगढ़ जेल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं। सूचना के बाद दोनों ही कैदियों को L1 अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव निकले और हम लोगों ने उनको L1 फैसिलिटी जो हमारी 100 बेडेड हॉस्पिटल में से चिकित्सा में हमारा पथरौली पे है, वहाँ शिफ्ट करने के लिए बता दिया। कुछ सर इनकी जानकारी कहाँ से थे? ये तो मुझे जेल अधीक्षक जो अलीगढ़ के हैं उन्होंने सूचित किया। अच्छा, अभी उनको L1 में रखा गया। L1 में रखा गया।